दोस्तों आज हम इस प्लास्टिक की बोतल और पीवीसी पाइप की मदद से एक बहुत ही खतरनाक गन बनाने वाले हैं दोस्तों, बोले तो। और दोस्तों इस प्लास्टिक की बोतल और पीवीसी पाइप की मदद से बनने वाली दोस्तों जो कैनन होगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी और इस वीडियो में काफी ज्यादा कमाल और धमाल होने वाला था, तब तक की सबसे खतरनाक वीडियो होने वाली। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, आपको भी कमाल और धमाल देखना पसंद है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं वादा करता हूँ आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप यही कमेंट में बोलोगे वाओ। और अब बनाने स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे खतरनाक कैनन यानी कि मिनी तोप को। तो भाई चलो देख के रहो कैनन को बनाते हैं फटाफट से। तो दोस्तों खतरनाक पावरफुल तोप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक बॉटल की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों एक 25 mm के पीवीसी पाइप के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों देख सकते हैं तो हमें क्या करना है, इस पीवीसी पाइप को इस बॉटल के मुंह में इस प्रकार से डाल देंगे। लेकिन दोस्तों ये पीवीसी पाइप है ये आ नहीं रहा है, यानी कि जो बॉटल का मुंह बड़ा है। तो दोस्तों हमें क्या करना, जो बॉटल के मुंह पर दोस्तों ये चूड़ियां दिख रही है इसको काट देते हैं जिससे ये पाइप है ये आसानी से दोस्तों इसमें आ जाएगा। तो बॉटल के मुंह पे दोस्तों जो लाइनें थी वो हमने काट दी दोस्तों, देख सकते हैं। और अब जो पीवीसी पाइप है उसको डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों उसे डालने से पहले इसमें फेविकोल लगा दें ताकि दोस्तों जो पीवीसी पाइप है वो बॉटल में अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो इसमें पीवीसी पाइप में इस फेविकोल को लगा देते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो पीवीसी पाइप है वो बॉटल के इस प्रकार से मुंह में घुस देते हैं। कुछ फेविकोल इसके ऊपर से भी लगा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जो पीवीसी पाइप है वो हमने बॉटल में अच्छी तरीके से दोस्तों डाल दिया है। देखो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको इस बॉटल में एक होल दिखता होगा, दोस्तों देख सकते हैं हमने इसे होल को एक पहले से ही कर रखा है। हमें क्या करना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने ये लेटर बनाया है दोस्तों, ये होममेड लेटर को दोस्तों हमने घर पर ही बनाया है। दोस्तों देख सकते हैं, आपको जलाकर भी दिखा देता हूं, आपको यहां पर देखना दोस्तों। इस जुगाड़ू लेटर के लिए एक लाइक करना तो बनता है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें इस लेटर को इस होल में डालकर यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से ग्लू गन से चिपका देना है दोस्तों। बोलता वो कुछ बड़ा हो गया तो हमने क्या करा दोस्तों, जो हमारा लेटर था वो सीधा अंदर जा रहा था, मतलब यहाँ पर इतने पर नहीं रुका रहा, तो हमने क्या करा इस लेटर पर कुछ धागे को लपेट दिया है। और अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से लगाकर इसे ग्लू गन से दोस्तों चिपका देंगे। तो फाइनली दोस्तों लेटर लगने के बाद जो हमारी कैनन है दोस्तों वो कुछ दिखने में कुछ ऐसे लगने लगी दोस्तों, देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस प्रकार का दोस्तों एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है। पीवीसी पाइप को दोस्तों हमने जो शेप दिए दोस्तों इसे घर पर ही बनाया है। दोस्तों हमने क्या करा है, एक रेग माल लिया दोस्तों इस प्रकार का, तो पीवीसी पाइप पर इस प्रकार से रखकर दोस्तों जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा था वो इस प्रकार से यहाँ पर इसे लगा बहुत देर तक। तो हमारा जो पीवीसी पाइप का शेप है दोस्तों इस प्रकार से जो हमने बना रखा है देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से फेविक्यूब से दोस्तों यहाँ पर इसे चिपका देंगे। तो इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को इस फेविक्यूब से चिपका देते हैं। तो इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को लगाने के बाद दोस्तों इस प्रकार का हमें एक और टुकड़ा लेना है दोस्तों पीवीसी पाइप का, देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा है। तो हमें क्या करना है, इस टुकड़े को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसे फेविक्यूब से चिपका देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पीवीसी पाइप का पीस लगने के बाद तो दोस्तों जो हमारा कैनन है ना दोस्तों देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। हमें क्या करना है दोस्तों, एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा हमें एक और चाहिए दोस्तों, देख सकते हैं। और तो हमने वही शेप इसकी बना रखी है दोस्तों जिससे कि ये यहाँ पर आसानी से इस तरीके से यहाँ पर आ जाए। तो हमें क्या करना है, इसे भी इस तरीके से यहाँ पर इसे चिपका देते हैं दोस्तों फेविक्यूब की सहायता से। तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी कैनन है ना उसमें हमने इस प्रकार से ये हैंडल था तो हमने ये लगा दिया दोस्तों, इस प्रकार से हम इसे पकड़ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, इस कैनन में हमें फ्यूल डालना है और उसको दोस्तों जो लाइटर है उसको ऑन करना है। तो जैसे ही हम इस लाइटर को ऑन करेंगे जो हमारा ब्लास्ट होगा वो बहुत ही भयंकर होने वाला है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसमें फ्यूल को डालकर उसकी टेस्टिंग कर देखते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं तो भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। देख सकते हैं जो हमारी कैनन वो देखने में कितनी मस्त लग रही है दोस्तों, देख सकते हैं है ना दोस्तों, कमाल की लग रही बिल्कुल। तो इसके लिए देखो लाइक करना यार बनता है। और अब करते हैं इसकी टेस्टिंग दोस्तों। अब जो हमारी गन है वो फायर करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों हमें इसमें फूल के तौर पर दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड के हमारे पास कुछ टुकड़े हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे इन कैल्शियम कार्बाइड को देख सकते हैं दोस्तों, जो कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े हैं वो डाल दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पानी को डालेंगे, दबाते हैं दोस्तों अपने लेटर को। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमने यहाँ पर लेटर लगाया, जो हमने हाथ से लेटर लगाया था वो दोस्तों बहुत ही उसकी चिंगारी निकल रही थी, बहुत ही कम निकल रही थी, जिस वजह से दोस्तों जो हमारी तोप है उसको वो फ्लेम थी वो बहुत ही कम मिल पा रही थी। लेकिन दोस्तों अब की जो हमने बोरा लेटर लगाया जो हम दोस्तों घर पर यूज करते हैं, क्या करेंगे दोस्तों इसमें दोबारा से कैल्शियम कार्बाइड को डालेंगे और दोस्तों इसमें पानी को डालेंगे और फिर दोस्तों इसे दोबारा से चलाएंगे। हमने इसमें बैटर को डाल दिया तो दोस्तों अब करते हैं इसमें तैयार हो दोस्तों।
देख सकते हैं इसका कितना भयंकर ब्लास्ट था दोस्तों। इसके लिए तो एक लाइक करना यार बनता है। तो हमारा पहला वाला चैम्बर था वो कैल्शियम कार्बाइड की ज्यादा मात्रा डालने से जो हमारा चैम्बर था वो फट चुका था, तो हमने यहाँ पर दूसरा चैम्बर लगा दिया है। तो अब क्या करना है, फटाफट से दोस्तों जो हमारे कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े हैं वो इसमें डाल देते हैं और इसको भी डाल दिया है। क्या करते हैं दोस्तों, पानी को भी डाल देते हैं। दोबारा से इसमें कैल्शियम कार्बाइड को हमने डाल दिया है और करते इसमें फिरते। ओ तेरे की। तो आपने देखा जो हमारी कैनन थी वो कितना ज्यादा पावरफुल थी दोस्तों। मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था कि जो हमारे दोस्तों हमारी जो कैनन होगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी, और आपके मुझसे सिर्फ एक ही वर्ड सीखने के लिए वाओ। तो दोस्तों आपने देख सकते हैं जो हमारी कैनन थी वो कितनी ज्यादा पावरफुल। अगर दोस्तों आपकी धमाल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। देख क्या रहे हो, बस एक क्लिक तो करना है दोस्तों, कुछ ही सेकंड की बात है। वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसी क्राजी एंड धमाल एक्सपेरिमेंट वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी अनदर एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।